नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट में, जहां से एक आग लगने की वारदात हमारे सामने आई है। हम आपको बता दें, ये जो मार्केट है फर्नीचर मार्केट है, और जो पीछे मेरे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है आग लगने की वारदात सामने आई थी। आइए इसी को लेकर लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे और इसके पीछे का क्या कारण है। जी, आपको पता है कैसे लगी? मेरे को नहीं पूरा पता है। ठीक है, मैं दूर था, मैं सुना हूँ कि 1/37 के बगल में आग लगी ऐसे, तो दौड़ते हुए भागते हुए आया, मैं देखा तो यहाँ पे दमकल आके आग बुझा रही थी। अंकल, यहाँ पे किस चीज़ का काम है? ये किस चीज़ का फैक्ट्री है? फर्नीचर का, फर्नीचर मार्केट है कीर्ति नगर। अच्छा, ये किस चीज़ का क्या काम है? ये काम फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम है। आग कैसे लगी थी? ऊपर लगी थी? हाँ, ऊपर ही लगी थी, ऊपर, सबसे ऊपर। सुनने में आ रहा है कि इस वाली आग से जो है साइड वाली बिल्डिंग में भी आग लग गई थी। हाँ, दोनों में पकड़ लिया था ये। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सागर है मैडम। जी सर, मैं क्या जान सकती हूँ इस आग की जो है इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली, कितने बजे लगी थी? मैडम, ये करीबन एक डेढ़ के आसपास का टाइम था, तो टीओ ड्यूटी दूसरे की चल रही थी, मैं नीचे बाथरूम में ही था, तो तब हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में बला इसमें आग है। तो उसके बाद फिर सायरन वगैरह बजा दिया, तो फिर हमारी गाड़ी आ गई थी। कितनी गाड़ी आई थी कुल? मैडम, शुरू में तो मैडम 3-4 स्टेशन का नाम लिया था, उसके बाद फिर यहाँ सराय मौके पर मुआवजा करने के बाद फिर मेक्सिक्स कर दी थी। तो कितनी भयानक आग थी, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ? मैडम, पहले तो ये शुरू में ये लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इसको बहुत जल्दी काबू पा लिया। सामने वाली वो थी फैक्ट्री थी, उसके ऊपर से जाके फिर छत पे से उसको पानी लगाया, इस साइड से ब्रांटों से कवर किया गया, तो उसके बाद ही ऐसा होगा। किसी को जान माल की हानि तो नहीं आई? मैडम, जान की तो नहीं हुई, लेकिन ये माल तो काफ़ी ख़राब हो गया इनका। हाँ जी, किसी को मतलब कोई घायल भी नहीं हुआ ऐसा? नहीं कुछ मैडम, ऐसी कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आपका कारण अभी आपके सामने आया है? नहीं मैडम, अभी कोई कारण सामने नहीं आया, बाकी सब बताएंगे। देखिए, फिलहाल अभी हम दमकल केंद्र के अधिकारी के साथ जुड़े और तमाम लोगों के साथ भी जुड़े, उनसे आपको यही कहना है कि आग के लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हम आपको बता दें आग जो है करीबन 1 बजे के आसपास लगी थी, और तभी दमकल केंद्र के पास फ़ोन गया था कि यहाँ पर आग लग गई है, जिसके बाद वो लोग तुरंत यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हम आपको बता दें फिलहाल जो आग पर है वो काबू पाया जा चुका है, और इस बिल्डिंग का जो है कूल डाउन प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल अभी आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हम आपको बता दें कि किसी की भी यहाँ पर जान नहीं गई है या फिर कोई भी घायल नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो बिल्डिंग है, ये इसके अंदर का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा उसको ख़राब हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया है। देखिए, दिल्ली में जो है आग लगने की वारदात आए दिन सामने आती रहती है, और ये जो मामले हैं बहुत ही ज़्यादा आम हो चुके हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से आग लगने की खबर हमारे सामने आ ही जाती है। तो सर, आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।